हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैन एडिटिंग करने वाले, जो कि जब आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जिस किन के 1K, किन के 2K, 100K ऐसे कुछ हो जाते हैं, तभी कंप्लीट हो जाते हैं, तभी आपको एक बैन एडिटिंग मतलब कि खुद की डिज़ाइन कर सकते हो और आप अपलोड कर सकते हो कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हो चुके हैं। ओके, सो आप जाहिरत करने के लिए बेसिकली अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को जलाने के लिए, दिखाने के लिए आप अक्सर बना सकते हो, ऐसी खुद की डिज़ाइन आप बना सकते हो। वैसे तो आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, गूगल पे आपको बहुत सारे एडिटेबल बैनर्स मिल जाएंगे और उनके सारे जो मटेरियल है वो भी मिल जाएंगे, पर दोस्तों आपकी खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करके आप प्रोफेशनल तभी बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर तभी बन सकते हो जब आपके खुद का माइंड आप यूज़ करोगे और आपकी खुद की डिज़ाइन आप क्रिएटिविटी आप बैनर में दिखाओगे, तभी आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। ना कि आपको ऐसा होगा कि इधर से उधर से डाउनलोड कर लिया और हमने वो मतलब कि एडिटेबल्स बैनर करने, वैसे के वैसे बैनर हम डिज़ाइन कर सकते हो, वैसा कुछ भी बात नहीं। ओके, सो वैसे तो मेरे बैनर यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। और मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो कि मैंने बैनर एडिटिंग किया हुआ है उसके लिए मैंने पासवर्ड दिया, तो वीडियो को पासवर्ड आएगा ज़रूर। आप मोबाइल में भी बैनर एडिटिंग कर सकते हो और फोटोशॉप में भी आप बैनर एडिटिंग कर सकते हो, पिक्सल लैब में भी, पिक्सआर्ट में भी बैनर एडिटिंग कर सकते हो। मेरे जो सारे वीडियो है इसी तरीके से होते हैं, जो कि मैंने सारा PNG मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी दे दी है, जिप फाइल की लिंक होने वाली है और आपको पासवर्ड मिलेगा बीच में। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। ओके, सो मैं पहले आपको एक जो कि मैं बैनर एडिटिंग से रिलेटेड PNG देने वाला हूँ वो PNG आपको दिखा देता हूँ। पहले इस तरीके से मैंने जो खुद का जो फोटो है वो ले लिया है कटिंग करके, और इसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरीके से आपको ये कर लेना है। तो मैंने यूट्यूब का 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैंने यूट्यूब के लिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया था, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इस तरीके से बैनर रीडिंग किया हुआ है, यही बैनर रीडिंग आपको करना है। ओके, सो इस तरीके से बैनर दिया हुआ है, ये मनस्वी आभार दिया हुआ है, इस तरीके से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट, और इस तरीके से आपको दिया हुआ है अपलच, और ये आप ये देख सकते हो वाइट में वाइट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से एक सेटअप मतलब कि जिप फाइल मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। मैंने पहले ही बोला कि पासवर्ड है उसके ऊपर। हम अभी फोटोशॉप ओपन कर दे, फोटोशॉप में आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड दिया हुआ था, वो बैकग्राउंड मैंने ओपन कर लिया। सो बैकग्राउंड ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सब PNG ऐड करते जाना है, जैसे कि पिक्सल लैब हो, पिक्सआर्ट हो या फोटोशॉप हो, आपको इस तरीके से सब ऐड करते जाना है। आपकी खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करके खुद का आप न्यू तरीके से बैनर एडिटिंग भी कर सकते हो कुछ मिक्स करके। ओके, सो कोई बात नहीं, प्ले सिमडेड में जाएंगे फाइल में जाके, और यहाँ पे आपको पहले अपना फ़ोटो ले लेना है। इस तरीके से फ़ोटो थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा इस तरीके से यहाँ पे रखने के बाद फिर से PNG इस तरीके से ऐड करनी है आपको, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ PNG, दो नंबर वाली PNG इस तरीके से। ओके, क्लियरली दिखनी चाहिए, और यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट में आपको डार्केन मोड दिख जाएगा, वहाँ पे आपको डार्केन मोड ब्लेंडिंग मोड के जाके आप डार्केन मोड कर सकते हो, और इसी तरीके से मैंने फोटोशॉप में भी डार्केन मोड किया हुआ है। सो यहाँ पे एक और यूज़ करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे मनस्वी आभार की PNG ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से रख दूँगी, और यहाँ पे ऊपर के साइड थोड़ा ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक PNG और लेनी है जो कि 2K के ऊपर होने वाली है, 2K के ऊपर होने वाली है, और यहाँ पे इस PNG को ले लेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहाँ पे छोटा करने के बाद इस तरीके से आपको रखना होगा। तो इस नेम के मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और इस नेम के छोटा करने के बाद इस तरीके से नीचे के साइड में ले लूँगा, और इसको थोड़ा इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपको क्लियरली आपको एडिटिंग करनी होगी, और यहाँ पे इसके बाद होने के बाद आपको नेक्स्ट PNG आपको लेनी होगी, और नेक्स्ट PNG ए होने वाली है, और ये PNG आपको यहाँ पे रखना है इस तरीके से। कंप्लीट सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, आप फॉलोअर्स कंप्लीट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो सारा कुछ मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी दे दी है, आप देख सकते हो। इसके डुप्लीकेट ले लेंगे, और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा PNG भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, और यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। सो इस तरीके से होने के बाद आपको एक PNG और लेनी है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा और लंबी हो जाएंगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ओके,
सो यहाँ पे से होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक पीएनजी ऐड करनी है, और पीएनजी ऐड करने के बाद इसको छोटा करना है। एक टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है, आपको खुद के टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें खुद भी टेक्स्ट लिख सकते हो और यहाँ पे एक कर सकते हो। कुछ मेरे से गलती हो गई थी इस टेक्स्ट में, फिर भी मैं आपको मतलब कि आप ये सजेशन दूंगा कि आप खुद की टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हो पिक्सल लैब से। ओके, इस तरीके से छोटा कर दूंगा और छोटा कर दूंगा इसको। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने नाम के रिलेटेड आपको एक लिखना है, जैसे कि तुषार माड़ी मेरा नाम है, इस तरीके से मैंने दिया हुआ है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे इस तरीके से होने के बाद आपको एक रेड वाला जो कि डॉट देने वाला हूँ, ये डॉट आपको ले लेना है जल्दी से। ओके, सो ये डॉट्स लेने के बाद यहाँ पे जूम करके हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसा नहीं कि मैं पिक्सल लैब में नहीं कर सकता या पिक्स आर्ट में नहीं कर सकता ऐड कर सकता, पर यही कि आपको फोटोशॉप को भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए फोटोशॉप में आजकल करने लगा हूँ, वरना तो मैं तो पिक्स आर्ट में ही करता था ज़्यादातर। ओके, सो इस तरीके से हमारा बैनर एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीटली। सो आप इसी तरीके से अपने बैनर एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका होने वाला है। सारा कुछ मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो मैं बीच में ये बताना भूल गया वीडियो के बीच में, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाजू वाला बेल आइकन को जल्दी से हिट कर दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए, और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जो यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो, और लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। सो आप लाइक जब करते हो, कमेंट जब करते हो ना, तो मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आगे तक अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊँ बना के। वो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।